बिहार में भारी बारिश, राजधानी पटना में भरा पानी, विधानसभा परिसर में जल जमा। गृह मंत्रियों के घर में घुसा पानी, डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर के बाहर पानी। पटना के वीआईपी इलाकों में जल जमाव से उठे सवाल, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव का घर भी पानी में गिरा। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रहा है बूढ़ी गंडक का जलस्तर, मुख्य सड़क पानी में डूबी। सैकड़ों घरों में पानी घुसने के बाद परेशानी, बांध पर शरण लेने के लिए मजबूर। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश, नालों में भरा पानी। 15 मजदूर नाले को पार करने की कर रहे थे कोशिश, एक महिला मजदूर पानी में बहने लगी, लोगों ने बचाया। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश से डूब रहे हैं 12 गांव, सैलाब का भारी संकट। यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड के गुमला में वैक्सीन को लेकर दिखी जागरूकता, भारी बारिश के बीच 2 किलोमीटर पैदल चलकर 82 साल और 77 साल की दो महिलाएं छाता लेकर पहुंची वैक्सीन लेने। बिहार के दानापुर में गंगा नदी में डूबने से मां और बेटी की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। हुगली में बाढ़ का कोहराम, कई इलाकों में जलजमाव, गंदे पानी पीने को मजबूर लोग। मिदनापुर के सामने आई बारिश और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें, पानी में डूबे दर्जनों गांव। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, पहाड़ गिरने की वजह से ठप पड़ा नेशनल हाईवे 55। रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है बद्रीनाथ हाईवे पर हो रहा भूस्खलन, घंटों लग रहा जाम। दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टरों के साथ फिर पहुंचने लगे किसान, आज आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर दिखाएंगे दांत। खेती कानूनों को लेकर किसानों ने सरकार पर साधा निशाना, राकेश टिकैत बोले देश में लगा है अघोषित इमरजेंसी। सरकार ने एक बार फिर दिए किसानों के साथ बातचीत के संकेत, कृषि मंत्री बोले हम प्रस्ताव का कर रहे इंतजार। राकेश टिकैत ने कहा हमने चिट्ठी लिखी सरकार को, दोबारा बातचीत हो, उनका जवाब आया कि कानून वापस नहीं होगा, बात कर लो। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट, 11 बजे शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अयोध्या के विकास कार्यों पर समीक्षा, कोरोना के चलते ये बैठक वर्चुअल। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी रहेंगे मौजूद। नव अयोध्या के निर्माण की योजना, 1100 एकड़ के लिए प्लान तैयार। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने तैयार की है 20,000 करोड़ की परियोजना, पेश किया जाना है डिजिटल मॉडल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे करेंगे बड़ी बैठक, यूपी समेत आगामी विधानसभा चुनाव और कोरोना की तीसरी लहर का मुद्दा। जेपी नड्डा की बुलाई बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल, सभी वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद। नड्डा की बैठक में सभी बीजेपी महासचिवों और उपाध्यक्षों को भी न्योता, शाम तक चल सकती है बैठक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किल, प्रवर्तन निदेशालय में आज पेश होने का समय। ईडी ने अनिल देशमुख के पीए और पीएस को किया गिरफ्तार, ईडी ने कल नागपुर और मुंबई समेत देशमुख के 7 ठिकानों पर की थी छापेमारी। फिर देखिए ट्विटर की दादागिरी, संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए किया ब्लॉक। 1 घंटे के लिए अकाउंट ब्लॉक होने के बाद रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर को दी चेतावनी, कहा मानना होगा भारत का कानून। आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर ट्विटर ने दी सफाई, कहा कॉपीराइट कानून के तहत क्या कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री का अकाउंट ब्लॉक करने पर बढ़ सकती है ट्विटर की मुश्किलें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संसद की आईटी कमेटी मांगेगी जवाब। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने की एक मौत की पुष्टि। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने मारी एंट्री, राज्य में 2 लोगों की मौत की खबर। राजस्थान में 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि, गहलोत सरकार की बड़ी चिंता। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 48,000 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 1100 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली में एक दिन में सामने आए कोरोना के 115 नए मरीज, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। कोरोना काल में इलाज के दौरान खर्च रकम पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, भारत सरकार का बड़ा है फैसला, मौत पर मुआवजा राशि भी टैक्स फ्री। अपने एम्प्लॉय के कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च किया है तो उस एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रघुपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का विरोध, कुछ युवकों ने दिखाया काला झंडा।
सिलीगुड़ी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, उत्तर बंगाल को अलग करने की मांग को लेकर खोला मोर्चा। बांकुड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, 100 दिन के काम की मांग को लेकर ममता सरकार पर हल्ला बोल। दिल्ली में चल रहा था फेक कॉल सेंटर, अमेरिकी नागरिकों को बनाया जा रहा था निशाना, मास्टरमाइंड समेत 90 लोग गिरफ्तार। मुंबई के फोर्ट इलाके में ढह गया 5 मंजिला इमारत का हिस्सा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जोधपुर में ब्रेक फेल होने से दुकान में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, बाल बाल बचे लोग। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी की कलह में परिवार तबाह, पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी। फरीदाबाद में नाइट कर्फ्यू के दौरान पूल पार्टी पर पुलिस का छापा, हिरासत में लिए गए 7 लड़के और 7 लड़कियां। बाढ़ में सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल, लोगों ने की तोड़फोड़, करीब 1 घंटे तक भागलपुर जाने वाले रास्ते पर लगाया जाम। कुंभ में कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस ने शुरू किया उपवास, उत्तराखंड सरकार पर साधा निशाना। बिहार में शिक्षकों की बहाली वाली परीक्षा पर जबरदस्त सियासत, यूथ कांग्रेस ने जलाया शिक्षा मंत्री का पुतला। अम्बाला में पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत, सरकार और प्रशासन के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। कोयम्बटूर में राशन की दुकान पर जुटी भारी भीड़, केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त चावल और राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा 2000 रुपए कैश। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की जबरदस्त चर्चा, खाट पर 6 घंटे लेटकर ठीक कराई बिजली। पिनाक रॉकेट के नए अवतार का डीआरडीओ ने किया परीक्षण, ओडिशा के चांदीपुर रेंज में परखी गई ताकत। आसनसोल में सड़क किनारे मौत के बाद जोरदार हंगामा, गुस्साए गांव वालों ने की तोड़फोड़। सुशील कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करते वक्त पुलिसकर्मियों ने ली सेल्फी, मुस्कुराता हुआ दिखा हत्या का आरोपी। मंडावली से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया है सुशील कुमार, सेल्फी सामने आने के बाद स्पेशल ट्रीटमेंट को लेकर उठे सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर पिटा पाकिस्तान, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाक, आतंकियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेने पर फैसला। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर का एक आतंकी ढेर। शोपियां एनकाउंटर में फंसे आतंकवादी ने अपने परिजनों को बुलाया, समझाने बुझाने पर किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश, हथियारों के साथ करीब 30 करोड़ की हेरोइन बरामद। ड्रग रैकेट केस में एनसीबी का एक्शन और तेज, प्रोडक्शन वारंट के जरिए ठाणे जेल में बंद इकबाल कास्कर को कम से मिली। सतना में मंचले होमगार्ड सैनिक की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद लाइन हाजिर। दिल्ली के द्वारका में हॉरर किलिंग का शक, एक दंपति को मारी गई गोली, पति की मौत, 5 गोलियां लगने से पत्नी की हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक से टकराई बारातियों से भरी बस, हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। हरियाणा के गोहाना में नहर के पास मिला गर्भवती महिला का शव, पति पर हत्या का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में एटीएम में कैश डालने वाले 3 कर्मियों ने 2,70,00,000 का किया गबन, मास्टरमाइंड हैदराबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पांडसी में सामने आया लाठी डंडा फाइट, 1 दर्जन से ज्यादा घायल, जमीन विवाद में वारदात। विदिशा में रेलवे ट्रैक पर मिली 2 युवकों की लाश, 1 दिन पहले मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद। सासाराम में एसबीआई के रीजनल ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। समस्तीपुर में 5 लुटेरे गिरफ्तार, कई वारदातों में पुलिस को थी तलाश, लूट की 4 बाइक और 2 पिस्टल बरामद। आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में फर्जीवाड़े का खुलासा, संविदा कर्मचारियों ने अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, पुलिस की जांच के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं। लखनऊ में मुफ्त की मटन बिरयानी पैक करा ले गए पुलिस वाले, वीडियो वायरल होने के बाद थाना अध्यक्ष ने लिए रुपए। समस्तीपुर में रेल सप्ताह समारोह की शुरुआत, सम्मानित किए गए कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले 25 रेलकर्मी। केदारनाथ धाम में पसरा सन्नाटा, यात्रा पर निर्भर रहने वाले हजारों लोगों को रोजी रोटी की आफत। हाईकोर्ट के पत्रकार के बाद भी उत्तराखंड सरकार खोलेगी चारधाम यात्रा, कैबिनेट की मुहर। कोरोना से भारतीयों की वित्तीय बचत में भारी गिरावट, आरबीआई का दावा, परिवारों के बैंक डिपॉजिट और इक्विटी निवेश घटे। कोविड से मरने वालों के इंश्योरेंस क्लेम से सामने आए देश में बीमा की हालत, केवल 14% मृतकों के पास था इंश्योरेंस कवर। 6 साल बाद लॉन्च हुआ विंडोज का नया अवतार विंडोज 11, नई खूबियों के साथ आए नए वर्जन का साल के आखिर में शुरू हो सकेगा इस्तेमाल। फेम 2 स्कीम में सब्सिडी बढ़ाने के बाद कंपनियों ने घटाए स्कूटर के दाम, टीवीसी और एथर ने सस्ता किया अपना ई स्कूटर। 24 से 26 जून तक विस्तारा दे रहा है सस्ती फ्लाइट्स का ऑफर, अगस्त से अक्टूबर के लिए 1,099 रुपए में मिलेगा शुरुआती टिकट। इस साल ऑस्ट्रेलिया की खदान से कोयले का निर्यात शुरू करेगा अडानी ग्रुप, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शुरू होगा कारोबार। 27 जून को होगा कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए फंडिंग कार्यक्रम रागास फॉर यमुना, अनाथ बच्चों में टिकट की रकम बांटेगी भारतीय।
AIT और AICTE के आइडिया लैब स्थापित करने के लिए मिली ग्रांट, देश में 50 से भी कम संस्थानों को मिली है मदद। बद्रीनाथ के वसुंधरा में भारी बर्फ में भगवान घंटाकर्ण की यात्रा, नंगे पांव बर्फ पर चल रहे श्रद्धालु। लेबनान में रूठे आर्थिक हालात के बीच जारी हिंसक प्रदर्शन, बेरूत की सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी। कोलंबिया में नहीं थम रहा सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का दौर, बोगोटा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। संविधान में सुधार के लिए थाईलैंड में विरोध प्रदर्शन, बैंकॉक की सड़कों पर उतरे हजारों कार्यकर्ता। ईरान के नए राष्ट्रपति पर इजराइल के पीएम का हमला, बोले ईरान के लोगों ने जल्लाद को चुना है अपना नेता। ब्राजील में कोरोना से हुई मौतों के खिलाफ अलग अंदाज में प्रदर्शन, राजधानी ब्रसीलिया में महिलाओं ने लहराए कपड़े। अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 30 लाख डोज देगा अमेरिका, अगले हफ्ते काबुल पहुंचेगा जॉनसन एंड जॉनसन का टीका। पुर्तगाल में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरियंट से हड़कंप, एक दिन में सामने आए 1500 से ज्यादा नए मरीज। अफ्रीकी देश केन्या में हादसे का शिकार हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, 17 सैनिकों की मौत। चेक रिपब्लिक में टोर्नाडो ने मचाई तबाही, 150 से ज्यादा लोग घायल। हाई टाइड की वजह से जलमग्न हो गया इटली का वेनिस शहर, पानी में डूब गए सारे पर्यटन स्थल। रूस में भीषण गर्मी ने लोगों को किया बेहाल, राजधानी मॉस्को में तापमान 34 डिग्री से ज्यादा। फ्रांस के लियो शहर में भीषण गर्मी के बीच अचानक ओलावृष्टि, थम गई शहर की रफ्तार।